जब से हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स लॉ की बात करी है, सभी के मन में डाउट्स हैं। सभी के मन में ये है कि सर, अभी जो नया जो डायरेक्ट टैक्स का कोड आने वाला है, इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? हमें जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स का एक्ट है, अब क्या वो हमें सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए, क्या क्या चेंज हो सकते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा डायरेक्ट टैक्स कोड में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स का कोड, या आप इसको नया एक्ट भी कह सकते हो, ये जैसा कि न्यूज है कि 2025 में ये इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स कोड ये कोई न्यू चीज नहीं है, ये कोई नया लॉ नहीं है, ये इससे पहले भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है ईयर 2010 में। जी हाँ, अगस्त 2010 में डायरेक्ट टैक्स का जो कोड था वो उस समय की यूपीए की गवर्नमेंट ने लोकसभा में प्रेजेंट किया था, बट उस समय कुछ रीजन की वजह से ये पास नहीं हो पाया। तो जो रूमर्स है वो काफी हद तक यही है कि काफी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। डायरेक्ट टैक्स का जो कोड 2010 है उसमें से हमें काफी चीजें देखने को मिल सकती हैं, बिकॉज वो जो डीटीसी बिल 2010 आया था ना, उसका मोटिव भी एग्जैक्टली सेम था जैसा कि हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने बोला है। उन्होंने कहा है कि इनकम टैक्स का जो लॉ है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, काफी पुराना है, इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की नीड है। और उस समय जो डायरेक्ट टैक्स का कोड आया आया था, उस समय भी यही लॉजिक दिया गया था कि भाई इनकम टैक्स के जो एक्ट है ना, उसको और सिंप्लीफाई करने की नीड है, उसी वजह से हम डायरेक्ट टैक्स का कोड ला रहे हैं। तो अब फाइनली, क्योंकि ये चीज अब फिर से एक बार न्यूज में है, तो डेफिनेटली उस वो जो कोड आया था उसके हमें कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं। उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उसमें पहला ये था, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है एक टैक्स पेयर के मन में असेसमेंट ईयर का और फाइनेंशियल ईयर का। मैं भी जब आईटीआर फाइल करके देता हूं तो आईटीआर के ऊपर आता है असेसमेंट ईयर। तो मेरे पास कई बार क्लाइंट का कॉल आता है कि सर, ये तो असेसमेंट ईयर 24-25 का है, 23-24 का आईटीआर का है। फिर उसको बताना पड़ता है कि सर, ये असेसमेंट ईयर है और फाइनेंशियल ईयर अलग होता है। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से चले जाएंगे और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर का कॉन्सेप्ट बचेगा। जो भी डेफिनेशन, जो भी टैक्स का कैलकुलेशन, नोटिस, आईटीआर, जो कुछ भी रिलेवेंट ड्यू डेट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर से ही लिंक्ड होंगी। तो अब ये असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर कंफ्यूजन ये दूर हो जाएगा और हमें सिर्फ फोकस करना है फाइनेंशियल ईयर पर। अच्छा, अगला चेंज जो है ना, उसमें जो टैक्स कोड का जो बिल है 2010, उसमें इनकम को दो तरीके के सोर्स में डिवाइड किया है, स्पेशल सोर्स और ऑर्डिनरी सोर्स। तो ये क्या है, इसको देखते हैं। ऑर्डिनरी सोर्स में जो अभी हमारे एग्जिस्टिंग 5 हेड हैं उनको लिया गया था। हाँ, नाम थोड़ा सा चेंज था, इनकम फ्रॉम सैलरी को इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, हाउस प्रॉपर्टी सेम, पीजीबीपी को इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन ही, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्स बना दिया गया था। तो बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया था। और इनकम फ्रॉम सैलरी, ये थोड़ा सा आप कह सकते हो ना, ये नैरो था इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन, क्योंकि सिर्फ सैलरी स्पेसिफिक नाम यहाँ पे कर दिया गया था। बट अब यहाँ पर इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट कर दिया है, तो अब यहाँ पर एक ब्रॉडर पिक्चर को लेके चलेंगे। तो नाम से पता चल रहा है इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, सैलरी मिले ना मिले, सैलरी के अलावा कुछ और नाम आप रख दीजिए। पहले तो ये था कि भाई सैलरी, सैलरी की डेफिनेशन थी, अब क्या हो गया है इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, सैलरी नहीं एम्प्लॉयमेंट, कहीं भी आपका है उसके इन रिटर्न कुछ भी आपको मिलेगा वो इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट में टैक्सेबल होगा। ठीक है, अब इसके अंदर के जो सेक्शन है, सब सेक्शन है, उनमें भी काफी चेंज थे, उनको सिंप्लीफाई किया गया था। तो ये तो था ऑर्डिनरी सोर्स, और इसके अलावा जो भी इंकम बच जाती है वो स्पेशल सोर्स, और बेसिकली इसमें जो नॉन रेसिडेंट है वो जो इंडिया में इनकम अर्न करते हैं उनको रखा गया था स्पेशल सोर्स में। तो ऑर्डिनरी सोर्स इंडियंस के लिए, स्पेशल सोर्स नॉन रेसिडेंट्स के लिए, ये लिखा हुआ है कोड में, तो इसको भी पिक किया जा सकता है। अच्छा, एक कॉमन आईटीआर की बात चली थी, अगर आपको याद हो, करीब 1.5-2 साल पहले ये हो रहा था कि अब जो है ना बहुत कंफ्यूजन होता है, आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा, 2 कब जाएगा, 3 कब जाएगा, 4 कब जाएगा। इस कंफ्यूजन को अब दूर कर दिया जाएगा। हालांकि ये टैक्स कोड से रिलेटेड नहीं है 2010 में, बट क्योंकि ये बात चल रही है काफी टाइम से, तो ऐसा माना जा रहा है कि जब ये कोड आएगा तो उसमें एक ये भी चेंज देखने को मिलेगा
कि जो जितने आईटीआर है ना ये खत्म कर दिए जाएंगे और एक कॉमन आईटीआर यूज किया जाएगा रिटर्न को फाइल करने के लिए। अच्छा, अगला जो सैलरी हेड में जो चेंज होगा, जिसको इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बोला जा सकता है, उसमें ये है कि अगर अभी तक हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो हम लोग लोन लेते हैं उसका जो इंटरेस्ट होता है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हम लोग लेस करते हैं और फिर वो सैलरी से डिडक्ट किया जाता है। अब इसमें डायरेक्टली लिख दिया गया है कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी में ना दिखा के सीधे सैलरी से डिडक्ट आप करोगे। तो हाउस प्रॉपर्टी का हेड भी सिंप्लीफाई कर दिया गया है और अब सीधे आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट के हेड में। तो एक ये भी चेंज है, ये सारी चीजें जो डायरेक्ट टैक्स का कोड है 2010 उसमें लिखी हुई है। अच्छा सर, रेजिडेंशियल स्टेटस में उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, ये जो लिखा हुआ था डायरेक्ट टैक्स के कोड में उसमें ओल्ड डेफिनेशन लिखी थी, बट हमें पता है कि अभी ये डेफिनेशन और चेंज हो गई है, मोडिफाई हो गई है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल सकता है। अच्छा, उसके अलावा एक जो बहुत आप कह सकते हो ना टाइम से एक बहस चल रही है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास पावर क्यों है टैक्स ऑडिट की, और कई बार जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं CMA और कंपनी सेक्रेटरीज ये भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी पावर मिलनी चाहिए टैक्स ऑडिट की। तो कुछ हद तक चांसेस हैं CS को तो नहीं बट CMA को पावर मिल सकती है टैक्स ऑडिट की, लेकिन 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 अगर आप डायरेक्ट टैक्स कोड 2010 इसको आप रीड करोगे तो पेज नंबर 333 पर क्लियरली लिखा हुआ है कि हम CMA को पावर नहीं देंगे, बिकॉज ये कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, ये कॉस्ट से रिलेटेड चीजों में एक्सपर्ट होते हैं, ऑडिट में एक्सपर्ट नहीं होते हैं। तो CMA को और CS को डायरेक्ट टैक्स का जो कोड है 2010 उसमें तो पावर नहीं दी गई है टैक्स ऑडिट की। अब देखना ये है, ये जो नया कोड आने वाला है क्या इसमें CA के अलावा भी CMA या CS को पावर मिल सकती है या नहीं। अच्छा सर, टैक्स ऑडिट की लिमिट भी अभी 10 करोड़ अगर है तो उनके लिए है जिनकी जो टैक्स की जो कैश की जो रिसिट है वो अप टू 5% है, ये हमें पता है। तो अब ये ना सारी लिमिट बढ़ा के 10 CR कर सकते हैं, चाहे कैश रिसिट या पेमेंट 5% हो ना हो, तो ये सारी लिमिट बढ़ के 10 CR हो सकती है। तो ये भी चेंज हमें देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये बोला जा रहा है कि टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो भाई जब सिंप्लीफाई किया जाएगा तो भाई टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट जब ज्यादा लिमिट अब बढ़ जाएगी तो फिर जो छोटे मोटे टैक्स पेयर हैं उनको कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा टैक्स ऑडिट से। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये लिमिट बढ़ेगी, हो सकता है 10 करोड़ ना हो, 5 ही करोड़ हो, बट हाँ लिमिट इंक्रीज डेफिनेटली हो सकती है। अच्छा सर, तो ये थे वो बड़े बड़े छोटे मोटे चेंजेस जो डायरेक्ट टैक्स कोड में लिखे हुए हैं, जिनको जो नया कोड बन रहा है उसमें भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो नया कोड आ रहा है क्या ये एक्चुअल में चीजों को सिंप्लीफाई करेगा? GST में जिस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं उसको देखते हुए कि आपको लग रहा है कि DTC का जो कोड है 2025 इसमें एक्चुअल में चीजें इजी होने वाली हैं या और ज्यादा टफ हो जाएंगी, आपको क्या फील करते हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और एक जो बहुत बड़ा डाउट है कि सर क्या हम सीखें इनकम टैक्स का एक्ट, जब ये एक्ट पूरी तरीके से डेमोलिश होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो सर हम फिर सीधे काम करते हैं जब नया कोड आएगा वही पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कोड की बात की जा रही है कि 5 से 6 महीने में आएगा, तो बहुत हद तक चांस है कि जो बजट आने वाला है ना फेब में उसमें हो सकता है ये आ जाए, लेकिन बहुत जल्दी भी अगर ये इंप्लीमेंट होगा बहुत जल्दी भी तो ये 1 अप्रैल 2025 से नहीं हो पाएगा, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से होगा, डैट मीन्स 1 अप्रैल 2026, उससे पहले इंप्लीमेंट होने के चांसेस बहुत कम है। तो तब तक आप क्या करोगे, क्या आप प्रैक्टिस नहीं करोगे या ITR फाइल नहीं करोगे? तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बदलने वाली हैं, अगर आप गौर करो तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है चीजों को हम इजी करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पूरी तरह से बदलेंगे नहीं। अगर आप देखो पहले भी 5 हेड थे और आने वाले कोड में भी ये 5 हेड ही होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने ये एक्ट पढ़ लिया तो आपकी नॉलेज पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी।
जैसे अगर आप जीएसटी की बात करो तो जीएसटी के 70% प्रोविजन या तो वैट के हैं या सर्विस टैक्स के हैं। तो जिन्होंने सर्विस टैक्स या वैट पढ़ा है, ऐसा नहीं है उनकी नॉलेज जीरो हो गई, उनकी भी नॉलेज काम आएगी। तो अगर आप अभी ये सीखने की सोच रहे थे कि हम इनकम टैक्स का एक्ट 1961 उसको सीखे ना सीखे, तो आप बिना किसी डाउट के इसको सीख सकते हैं। ये आपको जब नया कोड आएगा वहां भी काम आने वाला है। कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही मजेदार वीडियोस लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।